कुमार, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस देखिए नंबर वन के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आज इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस काफी आसान है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को रीड कर लेता हूं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि द हाइट ऑफ कोन इज, कोन का हाइट दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप, एक पूरी तरह से कोन है तो इसमें से एक स्मॉल कोन को कट कर दिया गया टॉप से, ठीक है। अब बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, लेकिन इसका जो प्लेन पैरेलल होगा बेस के थ्रू, जैसे देखिए पैरेलल होगा ये जो बेस होगा ना इसका पैरेलल होगा, इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, दिया हुआ है 1/27 है पूरा दिया हुआ कोन से, ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ। तो एट व्हाट हाइट अबव द बेस, ऊपर वाला बेस कितना उसका हाइट होगा, द सेक्शन हैज बीन द मेड, जो कि ऊपर वाला हाइट कितना होगा, ये वाला कोन का हाइट कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए बनाने से पहले आपको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इसमें दो फिगर है, मतलब कि दो यहां पर कोन बन रहा है, एक ऊपर में कट किया गया सो और एक आपको पूरी तरह से कोन बना हुआ। तो मैं ये फिगर को एनालाइज करवा देता हूं। पहले ऊपर से कट किया तो यानी कि बेस इसका छोटा आर माने, रेडियस इसका क्या हो जाएगा छोटा आर, और इसका बड़ा आर माना, ठीक है। इस पूरे को कोन का, पूरा कोन का ए डी सी का मीन्स कह सकते हो, ये पूरी तरह से ये कोन बड़ा वाला कोन के लिए हाइट माना हूं एच, और छोटे वाला कोन का हाइट माना हूं स्मॉल एच। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिमिलरिटी से ही हेल्प लेना पड़ेगा। सिमिलरिटी समझ में आना चाहिए कि सिमिलरिटी क्या होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिएगा सोल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हमें जैसे कि आपको देख रहे होंगे अगर मैं इस दो ए बी, देखिए ध्यान से ए सी डी, आप देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल है ए सी डी, आप देख पा रहे होंगे जिसमें देख सकते हो ए ट्रायंगल पूरा बन रहा, और भी देख सकते हैं एक और ट्रायंगल इसी के अंदर है ए बी ई। अगर ये दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर कर दूं, तो आपको इससे हमें कुछ रेशियो फॉर्म में आएगा, तो रेशियो फॉर्म में आएगा तो उससे हम बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ ये 1/27 दिया और कुछ नहीं दिया हुआ आपको। चलिए तो हम इसे सोल्व करते हैं, चलेंगे इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, ए बी ई में, या ए बी ई में चलते हैं, ए बी ई में चलेंगे, एंड ट्राइंगल किस में चलेंगे, ए सी डी में चलेंगे, ए सी डी में। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करता हूं, तो सिमिलर करता हूं, तो सिमिलर देखिएगा सिमिलर कैसे होगा। सबसे पहले आगे हमें ये चीज होना चाहिए कि ए पूरे, देखिए ए सी डी एक ट्राइंगल बनने के लिए एंगल ए यहां पर हेल्प ले रहा, उसी तरह से देखिएगा ए बी ई इसमें भी ए ट्राइंगल बनने के लिए एंगल ए जो कॉमन आ जा रहा है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन आ जा रहा, इट मीन दैट एंगल ए इक्वल एंगल ए क्या हो गया, ये आपको कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंगल ए और एंगल ए मतलब कि पूरे एंगल बनने के लिए एंगल ए का जरूरी पड़ रहा, छोटा वाला भी एंगल बनने के लिए एंगल ए ही का जरूरी पड़ रहा, इट मीन एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो गया, समझिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन आ गया और हमें सिमिलरिटी करने के लिए दो चीज का बहुत मस्ट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दो चीज हमें जरूरी पड़ता सिमिलर करने के लिए। तो देखिए तो पहले मैं एंगल को इक्वल कर दिया हूं, आप जैसे कि ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ए वाला एंगल यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ए एंगल छोड़कर देखिएगा देख पा रहे होंगे ए एंगल इक्वल एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये एंगल बी है यहां पर मैं लिख दिया हूं, तो लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल एंगल सी, तो कैसे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग हो गया, करस्पॉन्डिंग से आपस में कैसे हो गया ये इक्वल हो गया, आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम लोग दस कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया, देखिएगा ध्यान से ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी, ए सिमिलर हो गया, ठीक है। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा तो इसका जो साइड हो जाएगा वो रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रेशियो में लिखेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा, सो सिंपल है, मैं लिख कर दिखाता हूं आपको। तो देखिए यहां पर कैसे होगा, यहां पर लिखेंगे जो ए बी हो जाएगा, ए बी पूरी तरह से ए सी का रेशियो में आ जाएगा,
और उसके बाद देख सकते हैं जो बीई हो जाएगा वो आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डीसी का रेशियो फॉर्म में आ जाएगा। और इसको बाद क्या कर सकते हैं, यहां पर सेम इसी तरह से एई जो हो जाएगा पूरी तरह से एडी का इस तरह से रेशियो फॉर्म में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, यहां तक तो आई थिंक दिक्कत जरा सा भी नहीं हुआ होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहां पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं लेकिन आपको डाउट होगा, देखिएगा ध्यान से। ए बी के जगह पर मैं क्या माना हूं, ये पूरा ए और बी के लिए क्या माना हूं, स्मॉल एच माना हूं, रख देता हूं स्मॉल एच। और देख सकते हो ए सी के जगह पर मैं पूरा ए और सी के लिए क्या माना हूं, बड़ा एच माना हूं, बड़ा एच रख देता हूं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए तो यहां पर बी ई के लिए क्या माना हूं, स्मॉल आर माना हूं, स्मॉल आर लिख देते हैं। और यहां पर डीसी के लिए यहां पर क्या माना हूं, कैपिटल आर माना हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां इक्वेशन मैं फर्स्ट लगा लिया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहां पर यह चीज आपको समझ में आया, मैं वैल्यू रख दिया हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल से क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चला जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ कोल इक्वल, यहां पर लिखेंगे 1/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या लिख सकते हैं, होल कोन लिख देंगे, होल कोन ये पूरा कोन, यानी कि कहने का अर्थात वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट ऑफ कोन इक्वल 1/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द होल कोन। 1/27 दिया हो ना पूरी तरह से इसका वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन के लिए, चलिए ठीक है। इसी पर आप फॉर्मूला बेस्ट है, अब फॉर्मूला हम यूज करते हैं, देखिए सो सिंपल है दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं सिंपल सा, क्या लिखेंगे कि 1/3 फॉर्मूला रखने, पाई आर स्क्वायर एच होता वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट ऑफ कोन, ये छोटा कोन के लिए मैं लिखा हूं, तो ये फॉर्मूला आर स्क्वायर और ये छोटा एच हो जाएगा। चलिए 1/27 इंटू देखिए तो वॉल्यूम ऑफ होल कोन, तो ये पूरा बड़ा वाला कोन के लिए मैं ले रहा हूं, बड़ा वाला कोन के लिए क्या होगा, यहां पर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बड़ा वाला और देखिए बड़ा वाला कोन के लिए पूरा आर बड़ा लिया हूं कैपिटल, और कैपिटल एच भी लिया हूं, छोटे वाले के लिए ए लिया हूं। फाइनली ये देख सकते हो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या, आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/27 इंटू आर स्क्वायर एच बना, यानी कि यहां तक हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा, इस तरह से हमें फॉर्मेट दिख रहा होगा। अब हमें क्या करेंगे, सो सिंपल है दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा आगे की ओर मैं बढ़ा रहा हूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर आई थिंक दिक्कत हो रहा होगा, देखिए क्या बचा, आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/27 इंटू आर स्क्वायर एच बना, कोई दिक्कत, आप देखें तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म है आर स्क्वायर एच, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो आर स्क्वायर एच बाय आर स्क्वायर एच बना इक्वल टू 1/27 बना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, तो आगे देखिए कैसे बनेगा, सो सिंपल है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसे अलग करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, आर स्क्वायर और यहां पर आर स्क्वायर को इस तरह से लिख दो इंटू एच बाय एच, इस तरह से लिख देते हैं 1/27, हमें इस तरह से आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्या आप इस पे क्यों नहीं वैल्यू रखो, इसका कोई कुछ वैल्यू आप क्यों नहीं रखे यहां पर, क्योंकि आपको पता होगा ये और ये बोथ आर सेम है, ये और ये बोथ आर रेशियो सेम है, गुड इन नाउ बोथ रेशियो सेम है, चलो आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम इक्वेशंस को रिलेट कराते हैं, क्या करेंगे, इक्वेशंस को रिलेट कराएंगे। थोड़ा आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा नहीं है, सिर्फ समझिएगा मेरा कॉन्सेप्ट को तो आसानी से कर पाओगे। चलो देखते हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मीन छोटा आर स्क्वायर और यह बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है, को देख सकते हो यहां पर वैल्यू दिया हुआ, मतलब कि आर बाई आर यानी स्क्वायर छोड़ दो और सिर्फ आर बाई आर के लिए क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर के लिए क्या लिखेंगे, एच बाई एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, यहां पर क्या लिखेंगे एच बाई एच लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर पाओगे। क्या करेंगे, इसके जगह पर इन प्लेस ऑफ आर एंड आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस, मीन्स वी आर यूजिंग टू दिस इक्वेशन फर्स्ट राइट ना, तो व्हाट विल डू लिसन, तो एच बाय एच का पूरी तरह से मैं होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू
एच बाय एच हो जाएगा। नहीं अगर आपको समझ में आए तो मैं देखिए आपको सिंपल पे मैं यहां पर करके दिखाता हूं, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एच बाय एच हो जाएगा इक्वल 1/27 होगा, यहां तक देख सकते हो। लेकिन यहां पर साइड में मैं लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो सिंपल है, आप देख सकते हो इक्वेशन वाइज फर्स्ट को यूज किया हूं, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। आप देखिए यहां पर जगह तो नहीं है तो मैं यहां पर लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है आप समझिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। सो सिंपल, हमें इस तरह का रिजल्ट यहां से गेन हो रहा, क्या गेन हुआ, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एच बाय एच इक्वल 1/27। देखिए यहां पर क्या करेंगे, एच क्यू आ जाएगा ना, एच के पावर क्यू, और यहां पर एच के पावर क्यू आ जाएगा इक्वल 1/27। यहां पर से क्या लिख सकते हो दोस्तों, सो सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको सिंपल सा है, यहां पर पूरी तरह से एच बाय एच का होल क्यू मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या जानते हैं 27 का क्यूब क्या, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी कि 3 का होल क्यू मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, हमें क्या पता है, अगर मिस कहने का था, अगर आपको बेस सेम हो और इक्वल टू में हो तो पावर आपका मिस मतलब कि बेस डिफरेंट हो और पावर इक्वल टू में हो, ठीक है ना, पावर जो हो इक्वल हो और यहां पर बीच में इक्वल टू हो तो यह पावर आपस में कट जाता है, आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं। देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और बीच में इक्वल टू हो तो कट जाता है पावर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमें यहां से प्राप्त क्या हुआ, सो समझा देता हूं आपको, सिंपल सा हमें ये इस तरह का गेन हुआ, एच बाय एच इक्वल टू 1/3 गेन हुआ। अब आपको एक क्वेश्चन सराइज हो रहा, यहां से क्वेश्चन सराइज हो रहा, सो सिंपल, आप पूरे एज के लिए क्या है देखिए, तो पूरा मीन्स द हाइट ऑफ कोन इज 30, यानी कि पूरी तरह से इसका जो हाइट क्या हुआ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। इट मीन दैट आपको सिंपल सा कहानी यहां पर कर सकते हो कि ये देखिए जगह तो नहीं बच रहा है लेकिन आपको कोशिश कर रहा हूं समझा देने का, ठीक है ना। तो देखिए तो एच बाय यहां पर देख सकते हो क्या हमें प्राप्त हुआ, सो समझिएगा थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर आपको एच दिया हुआ और ये पूरी तरह से 30 दिया हुआ, ठीक है, तो ये 1/3 आपको गेन हो जाएगा। आप देखे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपल सा आ जाएगा, एच इक्वल टू क्या आया, ये 10 आ गया, पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया आपको, क्या हुआ 10 सेंटीमीटर यहां से प्राप्त हुआ। अब मतलब पूरी तरह से आपको ये 10 यहां से एसी जो पूरी तरह से 10 प्राप्त हुआ, तो क्या मैं हमें निकालना है कि ये पूरी तरह से व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, तो यहां पर सिंपल सा कहानी करोगे, सो सिंपल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं पूरी तरह से एसी को देखिए आंसर देखिएगा, हमें निकालना है किसका, एबी का, तो अगर मैं एबी को निकालना हो तो क्या करेंगे, 30 पूरे में से अगर मैं पूरे में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएंगे ना, पूरे में से क्या करेंगे ये देखिएगा, पूरा एसी हाइट में से पूरा हाइट ऑफ कोन में से अगर मैं उसको जो अभी निकाला हूं उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिस आपको 20 आंसर प्राप्त हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आया होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, और फाइनल आंसर इसका 20 सेंटीमीटर इज द आंसर हो जाएगा, ये आपको पूरी तरह से आंसर प्राप्त हो गया। आई थिंक पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।